घमासान.com की खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन में 30 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश भर में ही लॉकडाउन के बावजूद जारी है। रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 70,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग की जानकारी दी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमित यानी कंटेनमेंट एरिया में पूरी सख्ती बरती जा रही है और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की छूट दी जाए। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू यथावत रहे। वहीं शासन प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, जो कि 30 मई तक खींच सकता है। प्रदेश के इन 3 शहरों में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और ये पहले ही रेड जोन में शामिल हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग सहित अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, जिसके चलते ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानों से लेकर उद्योग शुरू किए जा रहे हैं। कल भी राजधानी भोपाल में 15 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी तरह उज्जैन और इंदौर में भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अभी तक 2,016 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ भी लोगों को जल्द ही अनुमति नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी लॉकडाउन जारी कर रखने की बात कही, ताकि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिए कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला जुल रहेगा, जो कि 17 मई के बाद शुरू होगा। अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो जाएगा और उसके पहले केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों से हुई चर्चा के बाद अपनी गाइडलाइन जारी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यथावत रहे और धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियंत्रित रूप से शुरू किया जाए। सभी प्रकार के उत्सव प्रतिबंधित हो। प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि रेड जोन में पूरी तरह से सावधानी रखी जाए और ग्रीन जोन में धीरे धीरे गतिविधियां शुरू हो। इसके चलते लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। शासन प्रशासन भी ये मान चुका है कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में 17 मई के बाद भी रियायतें भले ही बढ़ाया जाए, लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू रखना पड़ेगा। संभवत 30 मई तक ये लॉकडाउन का चौथा चरण जारी रहेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर गतिविधियां शुरू की जाएगी, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं रखा जा सकेगा और लोगों को कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।